ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਗਵਰਨਰ ਮੰਗਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। दस दिए कि पीएयू के वीसी हटाने के राजपाल के आदेशों से कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल के वलों हुण पलटवार किया गया। उन्होंने कहना है कि राजपाल का कारा गैर संविधानक है तो अहुदे की मर्यादा ठेस पहुंचाने वाला है। नाल ही यूजीसी बोर्ड जो है उसके अधीन पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी नहीं आती है। गवर्नर पंजाब की जनता तो माफ़ी मंगण धालीवाल यह कहते भी नजर आए। पंजाब के मानयोग्य गवर्नर जो लेटर आज इशू की है लुधियाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति पे, वो बिल्कुल गलत है, गैर संवैधानिक है। और गवर्नर साहब ने ये लेटर लिख के जो जो राज्यपाल के अहदे की मान मर्यादा है उसको भी ठेस पहुँचाया है। उनको पता नहीं है कि जो ये जो यूनिवर्सिटी है लुधियाना यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी हरियाणा एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट 1970 के अधीन, उस एक्ट के अधीन होती, ये जूसी के अधीन नहीं आती, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधीन नहीं आती है। उन्होंने कहा जी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक्ट की तुम उलंघना की, एक उन्होंने कहा जी गैर कानूनी है। सो उनकी दोनों ही बातें गलत है। उन्होंने गलत बात की, हमने आज बोला, मैंने बोला कि वो माफ़ी मांगे, अपनी लैटर वापस लें। उन्होंने गलत लैटर दे, जो नहीं करेंगे फिर इसके बारे में हाँ गवर्नर माफ़ी मांगे। उन्होंने पंजाबियों की मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई। पंजाब की सरकार पंजाबियों की चुनी हुई है, पंजाब की जो जे यूनिवर्सिटी है ये पंजाब की रीढ़ की हड्डी है, खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी, उसके बोर्ड ने जो नियुक्ति की है तो उसके बोर्ड की ज्यादा आप ही थी फिर थी, आपको पता ही नहीं है क्या क्या नहीं। उनको पहले जो पढ़ना चाहिए था। वीसी अभी रहेंगे तो रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? वीसी की तो नियुक्ति उन्होंने की है, बोर्ड ने की है, नियुक्ति को गवर्नर ने थोड़ी किया। कोई नहीं करेंगे तो हम भी लड़ाई लड़ेंगे, लीगली भी लड़ेंगे, हाथ तो की लड़ाई लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? तो जो एक्ट है सुखबीर बादल ने सेक्शन 15 के तहत नहीं कर सकते, तो उनका क्या कहेंगे? मैं कह सर सुखबीर बादल जी ने जो मतलब कमिट किया उन्होंने पढ़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कल सुखबीर बादल ने पंजाब का हर आदमी गवर्नर साहब की इस कार्रवाई की कंडेमनेशन करे। श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल की शलाघा करते हुए तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल। पीयूई के वीसी हटाने के राजपाल के आदेशों से उन्होंने वालों हूँ पलटवार किया गया। सियासत जो है वो मगदी नजर आ रही है। रविंदर मीत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे नाल ने। रविंदर मीत, राजपाल का कारा गैर संवैधानिक है तो अहुदे की मर्यादा ठेस पहुंचाने वाला है, इन लफ्जों का प्रगटावा करते हुए धालीवाल नजर आ रहे हैं तो हूँ राजपाल तो सरकार आमो सामने नजर आ रही है, होर की कुछ प्रतिक्रम ने? बिल्कुल, देखो इस पूरे मसले होना सियासत तो हमें भी लगातार दिखाई दे रही है। कुलदीप धालीवाल पंजाब सरकार कैबिनेट मिनिस्टर दे वो सामने आए हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर गवर्नर द्वारा लिखी हुई चिट्ठी में ही गैर कानूनी दस दिता गया। उन्होंने वालों कह दिता गया कि चिट्ठी वापस ली जाए और जी गैर कानूनी चिट्ठी है इससे माफी भी मंगी जाए। इस तरीके की गलबात कह के उन्होंने इस पूरे मसले में गुजरात चोणों के नाल जोड़ दिता है। उन्होंने कहा कि जिन्ना टाइम गुजरात चोणा नहीं होंगे साढ़े उन्ना टाइम इस तरह की पॉलिटिक्स होंगी रहेगी। उन्होंने ये भी गल कहते हुए नजर आए कि अगर उन्होंने इन्ना ही ज्यादा जरा राजनीति का शौक है तो खुद राजनीति के सीधे तौर पर उतरे आन तो गवर्नर के उत्ते सीधे तौर पर निशाने लाते हुए कुलदीप धालीवाल दिखे ने। हालांकि इस पूरे मसले के जदों तो सतबीर सिंह गोसल जड़े वीसी के तौर पर उन्होंने हटाने की गलबात गवर्नर पंजाब वालों कही गई है कि वह गैर कानूनी हैगी नहीं, उदों तो लगातार जिहड़े तमाम पार्टियां के प्रतिक्रम भी सामने आ रहे। अकाली दल का भी स्पष्ट स्टैंड इस मसले से सामने आया है कि ये जरा नियुक्ति हुई है, नियुक्ति जी एक जी एक राइट हैगा, स्टेट का राइट हैगा, वो लगा सकते हैं, इसलिए गवर्नर के अप्रूवल की जरूरत नहीं हैगी। तमाम चीजा उन्होंने वालों स्पष्ट की गई। हालांकि हुण इस मसले के उत्ते हुण इंतजार रहेगा कि गवर्नर इस पे की उल्टा रिएक्ट करते हैं, स्टेटमेंट की देंगे ने, क्योंकि जिस तरीके सरकार ने सीधे हथे पंजाब के गवर्नर ने लिया उसे हुण
आपसी खिचोतान जो है हुंदा नजर आ रहा है, राजपाल वर्सेस सरकार हुंदी नजर आ रही है, किस तरह देखते हो कि नहीं लगता कि राजपाल दे वल्लों ए दखल अंदाजी की गई है? देखो इस सरकार नूं आदत पै गई है कि नियमां कानूनां दी एक्ट दी रेगुलेशन दी इन्होंने वायोलेशन नहीं करनी, ये कोई काम तरीके नाल करदे नहीं है और फिर जो इलीगल काम कर लेंगे है कि तो गवर्नर साहब का तो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल हक होने के नाते कोई इलीगल काम होंगे तो उन्होंने रोकन। वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के भी कुछ नियम ने ना जी, यूजीसी दी गाइडलाइनस ने, यूजीसी के नॉर्म्स ने, उस यूनिवर्सिटी का एक्ट है, ये तीन चीजें तो फॉलो करनी ही पैनिया ना। अपॉइंटमेंट करती कोई भी चीज तुसी जदों इलीगल करोगे क्लीयर कट एक्ट से मेंशन है कि तीन नामों का पैनल जाएगा, इन्होंने एक नाम भेजता फिर कहते जी गवर्नर एक्ट तुम नहीं फॉलो करोगे तो गवर्नर ने तो करना ही है ना, गवर्नर का तो काम है कि वो रूल्स देखे की है, एक्ट देखे की है, उसके हिसाब से एक्ट करे, तुम नहीं फॉलो करोगे तो उन्होंने करना पैदा है। तो इस करके गवर्नर साहब न कुछ कह दीजिएगा, अपनी पीढ़ी थले सोता मार, उन्होंने धालीवाल साहब ने चाहिए कि वो जनता तो माफी मंगन की जी रोज रोज किरकिरी हो रही है सरकार की इन्हों के नसीखीएपन के कारण, इन्हों की मैं कह लगा की मैं इन्होंने कमा शब्द इन्होंने की इस्तेमाल करा, सरकार तो समझ है नहीं, मंत्रियों समझ नहीं है कोई गल नहीं, जो अधिकारी रखे वो की कर रहे हैं कद भी ने सीएम ऑफिस जोड़े बैठे ने या जो बाकी डिपार्टमेंटा च बैठे ने क्यों नहीं सलाह देंगे सरकार की भाई एक्ट यह कहता है यूजीसी की गाइडलाइनस ये कहदियां उन्होंने फॉलो करो, इस करके यूजीसी की ही गल कर रहे हैं कि यूजीसी बोर्ड के अधीन है नहीं आता ते इन्ना ही नहीं उन्होंने तो इतों तक कहता कि गवर्नर पंजाब की जनता तो माफी मंगन, माफी तो मंगनी चाहिए इन्होंने, मिलाकियां कर रहे हैं, कानून की उलंघना कर रहे हैं, ये इलीगल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, गवर्नर साहब किसी गल गवर्नर साहब क्योंकि कानून की पालना कर रहे हैं इस करके माफी मंगन गवर्नर साहब क्योंकि कानून के मुताबिक निगमों के मुताबिक काम चल रहे हैं इस गल की माफी मंगन, क्यों नहीं इन्होंने माफी मंगी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का एक नाम क्यों भेजा की लिखा एक्ट च, धालीवाल साहब को कहो ना प्रेस मीडिया में दिखा कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का एक्ट की कहता है किन्ने नामों का पैनल जाना चाहिए जी क्यों नहीं भेजा, नहीं तुसी पीएयू दी गल करो ना, पीएयू दी गल करो ना, नॉट ओनली पीएयू, पीएयू भी उहदी कड़ी है, मैं क्यों बार बार गल कर रहा हूं, इन्हां दी आदत बन गई है, इन्हां दी फितरत बन गई है कि निगमां कानूनों नूं मनना नहीं है इन्हां नूं, और जो निगमा कानूनों नहीं मनना तो गवर्नर साहब ने उन्होंने याद दिलाना पैदा, याद दिलाना पैदा संविधान की धारा गवर्नर के अधिकार की है, सैशन बनाने लगे इन्होंने यही ड्रामा रचिया गवर्नर साहब को याद कराना पाया कि संविधान पढ़ लो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो कि गवर्नर के अधिकार की ने, यह तो भी कहना कि गवर्नर को की अधिकार है, गवर्नर साहब ने पढ़ाते ना अधिकार की ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने धारा पढ़ाती ना इन्होंने, फिर इन्होंने जवाब नहीं आया पर झूठ बोलता, इस करके सवाल सरकार की फितरत से मंशा से कार्य प्रणाली से ने प्रणाली ठीक नहीं करे जी जी, अरे जी। अगर वो अपनी कार्य प्रणाली ठीक नहीं करेंगे तो इन्हों इदा ही करना पड़ेगा, हाई कोर्ट भी केस खिलाफ हो रहे हैं, क्यों इन्हों की माइनिंग पॉलिसी हाई कोर्ट ने स्टे की है, क्यों इन्हों झक मार के घर घर आटा वंडन की स्कीम विड्रॉ करनी पई है क्योंकि वो सारे रूल्स नु वायलेट कर रहे थे, जो हिंदुस्तान का वायलेट कर रहे थे करके निजमा कानूनों वायलेट करोगे तो यही हाल हो, ठीक है, शुक्रिया सुभाष जी जुड़न लई, रविंदर भी तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़न दे लई, तां राजपाल दे इस राजपाल नूं जिथे कि गैर संविधानक दस्या गया है कि उन्होंने वालों यह कारा जो किया गया वह गैर संविधानक है तो अहदे की मर्यादा ठेस पहुँचाने वाला भी धालीवाल के वालों यह करार दिता गया है।